नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरैया जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एडवा कटरा के अंतर्गत परसुआ गांव की आशा बहु निगम आशा ने अपनी वेदना बताते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों के निर्देशानुसार टीकाकरण कार्य को करती रही। निगम आशा ने बताया कि विभाग के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे मैंने बखूबी निभाया, लेकिन पिछले 9 महीने से उसे वेतन नहीं मिला है। आशा निगम द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि वह जब अस्पताल जाती है तो उसे वहां बैठने तक नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे अस्पताल के बाहर निकाल दिया जाता है। आशा निगम का ये भी कहना है कि उसने इस विषय की सूचना अधीक्षक व संकिनी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आशा ने अपने विभागीय अधिकारियों पर भी ये भी आरोप लगाया है कि जब उसके द्वारा विभागीय अधिकारी को फोन किया जाता है तो विभागीय अधिकारी उसका फोन भी नहीं उठाते और विभाग में होने वाली मीटिंग सभागार से भी बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका यहाँ कोई कार्य नहीं है। आशा निगम का कहना है कि उसका वेतन हर माह आता है पर उसे उसके विभागीय अधिकारियों द्वारा निकाल दिया जाता है, जिससे निगम आशा बहुत ही परेशान रहती है। बीसीएन न्यूज के लिए औरैया से संवाददाता की रिपोर्ट। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने हापुड़ एवं आसपास के जनपदों से पशु चोरी करने वाले शातिर पशु चोर को मैं चोरी की मोटरसाइकिल व वैध असलाह सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पशु चोर की निशानदेही पर एक डेयरी संचालक को मैं चोरी की 2 राज भैंस व पशु चोरी में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार किया। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व चोर व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने हापुड़ एवं आसपास के जनपदों से पशु चोरी करने वाले शातिर पशु चोर को मैं चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में अभियुक्त शाहनवाज ने बताया कि वह अपने साथी अनिस पुत्र अलावस निवासी मोहल्ला नरोत्तम सराय निकट फिलहाल वादी मस्जिद अलालपुरा थाना कोतवाली जिला संभल, दानिश पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ, फिरोज पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ अलग अलग जगह व जनपदों से भैंस चोरी करते हैं तथा चोरी की भैंस को वह लोग शादाब की डेयरी में रखते हैं। वही पुलिस ने गिरफ्तार पशु चोर की निशानदेही एक डेयरी संचालक को मैं चोरी की 2 राज भैंस व पशु चोरी में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार किया है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बहादुरगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त शाहनवाज शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में थाना स्थाना जनपद बुलंदशहर से वर्ष 2020 में 25,000 रुपए का इनामी अपराधी रह चुका है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। यहां उन्हें 17 सदस्यों में से 11 सदस्यों के वोट मिले और उनके विरोधी निषाद पार्टी के प्रत्याशी बशुदन सिंह को महज 6 वोट मिले हैं। जिला पंचायत चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मामला हमीरपुर जिले का है जहां आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद का मतदान हुआ है, जिसमें 17 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान का भाग लिया, जिसमें से 11 सदस्यों में बीजेपी प्रत्याशी जयंती राजपूत के पक्ष में मतदान का उन्हें दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। यह चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था क्योंकि इसमें विरोधी घटक दल निषाद पार्टी का था। फिलहाल इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फैल गई है। पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी का सहयोग हमारे साथ रहा, मैं देखती रही हूँ, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और आपके माध्यम से मैं सैतपुर क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ उन्हीं की बदौलत यहाँ पर खड़ी हूँ और हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उनका विशेष सहयोग रहा है और उनके भरोसे और समर्थन की वजह से मैं आज आप लोगों के साथ बीच बीच में उतार चढ़ाव बहुत रहा, आपको कितने सदस्य मिले हैं, कैसा इसमें संगठन सीख करें? बीच बीच में हाँ उतार कि भारतीय जनता पार्टी उस पर भरोसा जताएगी और मुझे 11 सदस्य मिले हैं, सभी का पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र नेतृत्व का, माननीय जनप्रतिनिधियों का और क्षेत्र की जनता शुरू से ही मेरे पक्ष में हमेशा रुझान रहा है और मतलब आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर।
देवास खातेगांव नेमावर जैस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी समेत कई संगठनों के हजारों कार्यकर्ता सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान से लगभग 12,000 कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। सीबीआई जांच की मांग और आरोपियों को फांसी देने की मांग पर वही अड़े रहे। आरोपियों के राजनीतिक मददगारों पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेराव के साथ पूरे देश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मिशन न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन अजय दुर्वे महेश्वरिया के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। ये जो घटनाक्रम हुआ है बड़ा दुखद घटनाक्रम है और इसमें हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे पत्रकार साथी राकेश यादव, संदीप जी लोवंशी और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी है कि लगभग हमारे को 3-3 मोमेंट थाने में जाकर के करना पड़ा, तब जाके मतलब है नहीं प्रशासन को जू रेंगी। और फिर हमने आखिरी जो स्टैंड लिया था उसमें बहुत खतरनाक तरीके से उनको कहा गया था कि यदि आप इन लोगों को नहीं उठाते हैं, आपको हमने नाम दे दिए हैं, उसके बाद में आप इधर उधर झांकने की कोशिश कर रहे हो, आप किधर ही मत झांकिए। एडिशनल एसपी को कहा गया कि आप श्रीमान आपके नाक के नीचे चना दब रहा है, आप इधर उधर चना मत ढूंढो, थोड़ी सी उंगली आप अपने नाक के नीचे टेढ़ी कर लीजिए, आपको चना मिल जाएगा। तब जाके फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर शासन प्रशासन के दबाव में या कहीं भी जैसा भी मतलब आप समझे, इन्होंने फिर भी मतलब कुछ कार्रवाई नहीं करी। लेकिन फिर हम लोग 4-5-6 कार्यकर्ता आए और फिर जाकर के हमने थाने में हल्ला बोला और उनको बोला यदि आप अगर कभी हम जो बता रहे हैं वो स्टैंड को अगर नहीं अपनाते हैं तो कल मैंने 30 तारीख को लगभग हम पूरी तरह से आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इसके बाद में चक्का जाम करेंगे, जेल भरो आंदोलन हमको करना पड़ा तो जेल भरो आंदोलन करेंगे और उससे काम नहीं चला तो सारे लोग नर्मदा जी में जाकर के जल सत्याग्रह करेंगे। तब जाके उनको ऐसा लगा कि ये 30 तारीख को करने जा रहे हैं तो 29 तारीख को उन्होंने उन लोगों को उठाया और उठाने के बाद में है जो सारे उनसे सच उगला करके और उन हाथों को निकाला है। मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं राकेश भाई यादव और हमारे जो संदीप भाई लोवंशी हैं, इन लोगों ने इस मामले को उठाया और उसको सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में छोड़ा, उसको हम देख करके उस परिवार से मिले, उस परिवार ने सारी व्यथा हमारे को बताई और व्यथा बताने के बाद में हम करंटेड हुए और ये नतीजा सामने आज जयस संगठन द्वारा जो नेमावर में 5 लोगों की हत्या हुई थी उसके संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग और उसमें जो कोई भी आरोपी है उसको नहीं छोड़ने बाबत उनने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमने ले लिया है और ज्ञापन हम माननीय राज्यपाल कलेक्टर महोदय के थ्रू राज्यपाल महोदय की ओर भेज देंगे और जो भी उनकी मांग है उसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से हमने कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया है। संतोष भाई की साइड में जाओ। क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे केस को जल्दी से जल्दी सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए और सीबीआई जाँच हो इस केस की और इस केस को फास्टेस्ट कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी अपराधी को फांसी की सज़ा हो। हम तो प्रशासन और सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिले और अपराधियों को फांसी मिले, सीबीआई जांच इंक्वायरी बिठाई जाए, इसमें जितने भी अभी बचे हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जो भी है तो सब जिनका हाथ है ये अपराधियों के ऊपर उनको भी पकड़ा जाए और उनका भी बराबर का मतलब वो है अपराध किया है इन लोगों ने, उनको सज़ा मिले। और सर ये नेमावर में आदिवासी परिवार के साथ जो जघन्य हत्याकांड हुआ है और इसको लेकर आज नेमावर के में हिंदुस्तान के कम से कम 4-5 राज्यों के अलग अलग जिलों से जो आदिवासी लोग आए हैं और हजारों की संख्या में आए, तो क्या है इसकी रणनीति? क्योंकि आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आरोपी को गिरफ्तार करके कोई शिवराज सिंह ने एहसान नहीं किया है, है ना। आरोपी 45 दिन बाद गिरफ्तार हुए हैं और जो आदिवासी परिवार है उनकी लाशें और सड़ी हुई लाशें बरामद हुई हैं और जो 45 लाख देने की बात करें 45 लाख शिवराज सिंह के बाप का नहीं है, 45 लाख आप और हम टैक्स पेयर का पैसा है जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत
पीड़ित को 8.5 लाख रुपए प्रति यदि वो मर जाता है कोई तो दिया जाता है। ये इसकी घोषणा करके उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये तो देना ही देना है आपको। उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए, कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, इस केस के ट्रायल को यहाँ से इंदौर शिफ्ट करना चाहिए, परिवार को यहाँ से बाहर प्लॉट देना चाहिए या मकान देना चाहिए, उनकी आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। 4 कांस्टेबल उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको उनको बेहतर माहौल देना पड़ेगा उस तरीके का कि वो आने वाले समय में 2-5 साल इस केस को लड़ पाएं, क्योंकि बाहुबली लोग हैं वो लोग। याद खाते गाँव कोर्ट में आप क्या समझते हैं कि ये लोग जाके गवाही दे पाएंगे? कोई विटनेस नहीं है इस केस का, जो 2 विटनेस थे उनको इन्होंने को एक्यूज बना दिया। पहले तो विटनेस खत्म किए गए और सबूत खत्म किए गए बलात्कार के, उन लोगों के साथ बलात्कार हुआ है, तीनों महिलाओं के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और पुलिस उनके साथ मिली हुई है पहले दिन से। आशीष शर्मा विधायक उनके साथ मिला हुआ है, सांसद उनके साथ मिली हुई है। जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में ये अपराध हुए, सरकार इसमें अपराधी है इस केस में, और इसलिए हम सीबीआई जांच की इसमें मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसको अपॉइंट किया जाए, आभास सिंह या कोई भी बड़ी एक वकील हो जिसको बलात्कारियों को फांसी दिलवाने का अनुभव हो। ये केस सिर्फ सेशन कोर्ट में नहीं चलेगा, सेशन से हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और आपको हर स्तर पर उस स्तर की 4 सीट होने चाहिए। अभी 4 सीट ये ठुल्ले बनाएंगे, ये जो लोग कांस्टेबल हैं, जो लोग आईओ हैं, जो अभी 4 सीट बना रहे हैं, ये तो खुद उनसे मिले हुए थे, ये क्या 4 सीट बनाएंगे? इन्होंने तो एक एक कर कर सबूत नष्ट किए हैं, इतने दिन बाद मोबाइल जब्त किया है। जब तक कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर इसको 4 सीट नहीं बनाता खुद और खुद जिम्मेदारी ले उसकी कि मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा, मुख्यमंत्री तत्काल इस केस को, हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्षेत्रीय विधायक और सांसद इसमें शामिल है, मौजूदा सरकार में हमको विश्वास नहीं कि वो पीड़िता को न्याय दिला पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जाँच हो, इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो, और पीड़ित के परिवार को आपको अंतरिम राहत के लिए कम से कम 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, उनको यहाँ से किसी सेफ जगह शिफ्ट किया जाए, और जो आरोपी है उसको खातेगांव उपजेल में, हमको पता है खातेगांव उपजेल के क्या हाल है, रोज घर का टिफिन खाएंगे ये लोग और एस करेंगे, सेंट्रल जेल इंदौर भेजा जाए इनको, तब इनको पता चलेगा जेल क्या होती है। इस केस के ट्रायल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, स्पेशल कोर्ट उसके लिए अपॉइंट की जाए। इस तरीके से इस तरीके के गंभीर मामलों में एक नज़ीर प्रस्तुत की जाती है। 6 लोग मर गए, मतलब 5 लोग मर गए, और एक जो पीड़िता में देख के आया उसकी क्या हालत है, मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आए, इंदौर में मालपुए खा रहे हैं वो, कल सुरेंद्र पटवा की लड़की की शादी थी उसमें मालपुए। सर ये जो पूरा घटनाक्रम जैसा कि सामने आया है, लगभग 5 हत्या हुई है, और जिस तरीके से जो हत्या हुई है और उसके लिए पूरा देश जी, तो जिस प्रकार आज आदिवासियों ने जो ताकत दिखाई है, हजारों की संख्या में पूरे देश से आए, अलग अलग राज्यों से आए, अलग अलग जिले से आए, और 500-700 किलोमीटर दूर से आए अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो आगे क्या स्थिति सर, ये क्यों है, किस लिए? क्योंकि पुलिस ने तो आरोपियों को पकड़ लिया है, सभी जेल में है, अब क्या है? देखिए, जो मध्य प्रदेश के देवास के नेमावर में जो बर्बर हत्याकांड जो हुआ है, ये पूरे देश के अब तक की सबसे बर्बर घटना है, और आज जो ये हजारों की संख्या में ये आदिवासी समाज और सभी समाजों के जो युवा इकट्ठे हुए हैं, हमारी मांग है कि इस बर्बर हत्याकांड में जो पुलिस ने जो 7 आरोपित बनाए हैं, और भी ज्यादा आरोपित हैं, और हमारी ये भी मांग है कि इस बर्बर हत्याकांड के खुलासे के लिए जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई इंक्वायरी की इसमें बिठाए, और इस षड्यंत्र में जो दर बाय दर जो परतें जो बिछी हुई है, इसमें कई षड्यंत्रकारी जो शामिल है, इसमें राजनेताओं से लेकर पुलिस विभाग से लेकर प्रशासन के कई लोग इसमें शामिल है, उन सबका खुलासा होना चाहिए और पीड़ित परिवार को और उन मृत आत्माओं को न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू जी। मैं एडवोकेट विक्रांत सिंह कुमरे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ नेमावर में जो हत्याकांड हुआ है, 5 अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चियों को और महिलाओं को जो मार के गड़ा दिया गया एक ज़मीन के अंदर, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की जांच की डिमांड करते हुए एक पिटीशन में, क्रिमिनल रिट पिटीशन में फाइल कर रहा हूँ, और कॉम्पनसेशन की डिमांड करते हुए ये फाइल कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ जो जिम्मेदार हैं, आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इसको भी जैसी जैसी इनकी जिम्मेदारी थी उसके अनुसार इनको भी, इनके अगेंस्ट भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी डिमांड, इसकी प्रार्थना मैं ऑनरेबल कोर्ट से करूंगा। पीड़ित परिवार से जवाब मिले तो उन्होंने आप क्या कुछ आपको बताया? पीड़ित परिवार से मेरे मिलने के बाद, मैं कल रात को ही मिला उनसे, उनसे मिलने के बाद मुझे और चीज़ें क्लियर हुई, उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स मुझे दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी होने चाहिए ये आरोपी को सज़ा दिलाने में, और प्रशासन की कामचोरी
या उनको बचाने की जो कवायद थी आरोपियों को, वो भी साफ जाहिर हो रही थी उनके फैक्ट से और उनके एविडेंसेस से। तो मुझे लगता है ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने अगर हम पेश करते हैं तो वो इस पर ज़रूर कार्रवाई के आदेश जारी करेंगे। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने की बात भी कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर इसका फैसला हो सकता है? मुझे लगता है कि एविडेंसेस काफ़ी हैं, आई विटनेस भी मेरा ख्याल है आया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता और क्या क्या एविडेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक काफ़ी होना चाहिए। को एक्यूज भी है जो कि टर्न अप हो गया है, उसने कन्फेशन दे दिया है, तो मुझे लगता है कि ये पीड़ितों के हक में ही फैसला आएगा। लगभग कितना समय लग सकता है न्याय मिलने पीड़ित परिवार को? देखिए, न्याय मिलने में तो कहाँ नहीं जा सकता, समय देश की व्यवस्था आप जानते ही हैं, फिर ये ऑनगोइंग कोरोना की वजह से इतनी पेंडेंसी बढ़ गई है कोर्ट्स की, अपनी एक समस्या है। तो कोशिश तो ये रहेगी कि 6 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए, मैक्सिमम, बट अगेन ये डिपेंड करता है यहाँ के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर। इसलिए हमारी डिमांड है कि CBI की एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो, जिससे कि जल्द से जल्द चीज़ें सामने आएँ और कोर्ट को भी मदद मिले फैसला देने में। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि जितने आरोपी अभी बचे हुए हैं उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द CBI जांच बिठाई जाए, क्योंकि जब तक CBI जांच नहीं होगी इस केस का पूरा भी खुलासा नहीं होगा। अपन पता नहीं लगा सकते कि कितने आरोपी है इसमें और कितने लोगों का हाथ है, तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें CBI जांच हो। मैदान में आज उतरी है और पूरी ताकत के साथ उतरी है, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, 7 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, पुलिस का कहना है कि मामला साल्ट आउट हो गया। नहीं देखिए, आरोपियों को पकड़ना कोई न्याय नहीं होता है, 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है जो कि वो बच्चे हैं जिसमें से कुछ नाबालिग भी है, ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है। आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी, ये सिंपल सा ओपन एंड शट केस था जो कि सिर्फ जो जिसमें बोला जाता है मौत की सज़ा, मौत जो हम कानून में मानते तो नहीं है, लेकिन 5 लोग बच्चों की हत्या बहुत बड़ा जुर्म है, ये उन्हें फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। परिवार वालों ने कहा है कि वो CBI जांच चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि CBI जांच हो, अभी ज्ञापन दिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा, CBI जांच अब हो सकती है। रही हमारी पार्टी की बात जो मैदान में आई हैं, अभी छिंदवाड़ा ज़िले से मेरे साथ चल के कम 100 से 150 लोग आए हैं, हमारे GSU के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे पवन आए हैं, जिलाध्यक्ष आए हैं, सभी लोग यहाँ हमारा साथ देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, दीदी जा रही है, हम भी आपके साथ है। यहाँ पे इतना बड़ा संगठन, सब एक रूपता जो इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही गर्व की बात है ये। तो सर, अगर ये स्थिति रही कि अगर CBI जांच अगर नहीं हो पाई, जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर अभी भी देखने को मिला है और पहले भी था, हाँ जी, और नहीं हो पाई, तो उसको लेकर आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हीरालाल अलावा जी ने कहा है कि अगर जैसे CBI जांच नहीं होती तो सभी संगठन मिलके विधानसभा का घेराव करेंगे, या जैसे कि अभी जिस तरीके से आपने अभी भीड़ देखी तो हो सकता है दुगुनी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठी हो और हो सकता है कि यहाँ पे प्रशासन का जीना मुश्किल हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से मंत्री पद संभाला है, लगातार मध्य प्रदेश के साथ कई सौगातें उज्जैन को भी दी गई है। उज्जैन मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ उद्योग नीति और आज उज्जैन केंद्रीय जेल निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, खुली जेल की सौगात दी है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेल पहुंचे, जेल प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए खुशी जाहिर करते हुए प्रशंसा व्यक्त की। भोजनशाला में पहुंचकर बंदियों को दी जा रही खाने की सामग्री का वजन करवाया, भोजन का भी निरीक्षण किया, मूर्ति उद्योग, तरी उद्योग, पेंटिंग उद्योग में जाकर देखा, कार्य को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुए। पेंटिंग उद्योग में कार्य कर रहे कैदियों से महाकाल की तस्वीर चादर की प्रिंट करने को लेकर बोला गया, साथ ही जेल प्रशासन द्वारा बनाई गई बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण कर निरीक्षण प्रारंभ किया। कैदियों से चर्चा भी कर उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत विभाग को फोन लगाकर अवगत कराया और समस्या का समाधान करने को लेकर निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद पौधारोपण भी जेल परिसर में कर एक अच्छा संदेश मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिया गया। साथ में जेल अधीक्षक अलका सोनकर, जेलर संतोष कुमार लड़िया, उप जेलर हीरालाल परमार, उज्ज्वला वाघमारी, सुरेश गोयल, मनोहर पारिकर सहित संपूर्ण जेल कर्मचारी मौजूद थे। सेंट्रल जेल भरूर का उज्जैन का इतिहास पुराना है और ऐसे में इस जेल के अंदर बंदियों की अंदर की स्थिति और खास करके कोविड के काल में ये जो वर्तमान का दौर है हमारे लिए कठिन दौर था, ऐसे में कोविड की जो आवश्यक शासन की गाइडलाइन हिसाब से बंदियों का रखा जाना अपने आप में चुनौती थी। मुझे संतोष है इस बात का
के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में यहाँ जेल में प्रबंधन किया गया और आमतौर पर जो थोड़े कम अपराध के लोग थे उनको लगभग 700-750 लोगों को यहाँ से अभी कोविड के कारण से पेरोल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो गंभीर किस्म के और बाकी ऐसे बंदी जिनको रखा जाना आवश्यक था उनकी व्यवस्था की गई है। हवालाती मियादी सब प्रकार के जो बंदी हैं उनकी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। एक खुली जेल का प्रस्ताव था, मैंने पिछले समय उसकी स्वीकृति भी कराई थी, दोबारा मैंने PIU के ई को बोला भी है, वो तुरंत खुली जेल चलाए क्योंकि जितनी सेंट्रल जेल है सब दूर खुली जेल एक रखी जाना चाहिए, जिसके कारण से 10 साल से ज़्यादा जो बंदी समय काट लेते हैं उनको खुली जेल के बाद धीरे धीरे समाज जीवन में लाने के लिए एक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ जो बंदियों को अंदर ग्रामो उद्योग के माध्यम से या थोड़ा उनके अपने कलाओं के माध्यम से जिस ढंग से वो जिस हुनर को जानते हैं उस हुनर में मन भी लगे और उनके उस वस्तुओं का विक्रय ठीक से हो, मैंने इस संबंध में भी बातचीत की है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय महाकाल मंदिर के आसपास में कोई एक शॉप दिलवा करके इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न कलात्मक उपयोगी वस्तुओं का सेल भी लगवाया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि जो जो सुविधाएँ जुटा सकते जुटाएँ। मूलतः जेल हमारे यहाँ शासन की निगाह में सुधार गृह की तरह है, ये किसी को यातना गृह नहीं है, इसलिए आने वाले समय में ये जो सुधार गृह इसका यही स्वरूप बना रहे और जो जीवन में एक कठिन समय आया है जिसके कारण से जाने अनजाने जो उनके साथ घट गया है अपराध हुआ है वो अपराध बहुत से बाहर आए और समाज की धारा में मिले, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस भावना को हम सब ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पिछले समय सरकार ने यहाँ की बैरक बढ़ाई है, अभी 3-4 बैरकें और बढ़ाने की जो संभावना है, मैंने PIU से बात भी की और मैं गृहमंत्री से बात करूँगा, मुख्यमंत्री के नॉलेज में लाएंगे कि जेल के अंदर ये जो परिसर कम पड़ रहा है उसको और बढ़ाएं। यद्यपि हमारी उपजेलें चालू हुई है, पिछले समय बड़नगर की बहुत दिनों से बंद थी वो चालू हुई है, एक तरह से जिले के जेल के अंदर की जो व्यवस्था रहती है उनकी क्षमता बढ़ती जाएगी तो सेंट्रल जेल पे लोड कम आएगा, जिला जेल उपजेल, और मैं उम्मीद करता हूँ सेंट्रल जेल का तो इसका मैंने बताया कि इतिहास है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपने उस गौरवशाली इतिहास को भी कायम करेगी और यहाँ पर जो लोड है उसको हम कम कराएंगे। PWD के पास फंड है, उसके बाद भी पुताई लगाई नहीं हो रही है जेल में काफ़ी समय से, ये मेरे नॉलेज में आया है, अभी कोरोना काल से कारण से हो सकता है कि वो संबंध में कुछ नहीं किया होगा, मैं जब मीटिंग लूंगा तो इस तरफ भी ध्यान देगा। BCN न्यूज के लिए उज्जैन से मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। कटिहार में कुछ वार्ड में जल जमाव और सड़क को लेकर आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान की अपील की। कटिहार के वार्ड नंबर 41 व 42 में हवाई अड्डा चौक एवं नई मस्जिद के सामने वाली सड़क में जल जमाव निकासी एवं सड़क की ऊंचाई करने हेतु बोला महतो नेतृत्व में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद मुलाकात कर यथाशीघ्र जल निकासी एवं सड़कों को ऊंची करने हेतु आग्रह किया। इस अवसर पर राजनारायण सिंह, चंदन यादव, शिवन राय, कुंदन यादव इत्यादि मोहल्लेवासी उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता की रिपोर्ट। भागलपुर के मौजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चौक स्थित मियां साहब के मैदान में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मोहल्लों के लोग और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। मौजाहिदपुर थाना प्रभारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आम लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की गई। बैठक के दौरान आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अपराधियों पर सामाजिक स्तर पर दबाव बनाने, युवाओं में नशीले पदार्थों के प्रचलन को रोकने के लिए नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर पुलिस को सहयोग करने और आपसी सद्भाव और भाईचारा को कायम रखने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शांति समिति के सदस्य अनवर खान, मिंटू कुरैशी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद भंटुल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मौलाना चौक मियां साहब के मैदान पर आज प्रशासन आपके द्वारा प्रशासन से खुद बरपुर चलकर आपके द्वार पर पहुंचा। पहले आज प्रजातांत्रिक देश है, समाज का अंग ही प्रशासन है। आपके समाज से ही प्रशासन के जो भी टुकड़े हुए हैं, थाना हो, ब्लॉक हो, अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, या जो भी पंचायती
राज्य सरकार में हमारे वार्ड मिनिस्टर हैं, मुखिया होते हैं, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि नहीं भी हैं, जो हमारे समाज के नुमाइंदे करते हैं, वह आपके समझ आप समस्याओं को सुनने के लिए हम लोग लड़ाई आए हैं। प्रशासन आपके द्वारा खुद ब खुद चलकर हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि देश की आजादी 1947 में हुई, आजादी के लगभग हम लोगों ने 70-75-73 साल पूरा कर चुके हैं। समाज कहां से कहां चला गया है, लोग जागरूक हुए हैं, लोग शिक्षित हुए हैं, लोग जनमानस बढ़ा है, हम लोग सभी भी समाज के अंग हैं। अगर आपके बिना बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।